छोरे ने काटा नहीं? नहीं, मेरी नाम सबसे दोस्ती हो गई है। ये क्या है लिया? बस एक ही फूल? हाँ, सबके लिए एक एक लाई हूँ। इतने सारे फूल है तालाब में, और ले आती ना? मेरे दाजी कहते लालच करना ना अच्छी बात नहीं होती। प्रकृति से जितना चाहिए ना उतना ही लो। अगर मैं सारे फूल तोड़ के तालाब खाली कर देती तो भौरे कहाँ जाते? थोड़े फूल भौरों के लिए छोड़ दिए और थोड़े फूल हम सबके लिए ले आई। अच्छा किया, सच बोल रही है तू। सच तो मेरे दाजी बोलते हैं। चलो अब मंदिर में चलते हैं। जय शिव शंभू। जय शिव शंभू। प्रसाद क्या? आज मुहिम पर रवाना होना है। आज? आज जाना जरूरी है क्या? पेशवा सरकार का संदेश आया था कल, वो तो श्रावणी सोमवार की पूजा के वजह से हम रुक गए, वरना कल रात ही निकल जाते। सरकार, पिछली बार पेशवा से मिली हार का बदला लेने के लिए निजाम ने हर तरफ जाल बिछा के रखा है, इस समय बाहर निकलना ठीक नहीं। गंगोबा, माता भवानी और शिव शंकर का आशीष हो, फिर कैसा डर। जैसा आप उचित समझे। चिंता हो रही हमारी? अपने पति और उनकी भक्ति पर पूरा भरोसा है मुझे। भरोसा तो हमें भी है कि हमारे आने तक सब कुछ अच्छी तरह संभालेंगे। ये घर परिवार पूरे प्रांत की जिम्मेदारी आपको सौंप कर जा रहे हैं। कानो जी, गौतम, ये खंडेराव को लेकर बहुत चिंता हो रही है हमें। पता नहीं अपनी जिम्मेदारियों की कब समझ आएगी उसे। आ जाएगी, अभी उम्र ही क्या है उसकी। इतनी कम भी नहीं कि दिन रात मां के आंचल में छुपकर बैठा रहे। आगे जाकर उसे ही सब संभालना है गौतम। मैंने कहा ना, चिंता करूं ना का, हमारा बेटा आपको कभी निराश नहीं करेगा, मैं वचन देती हूं। मुझ पर तो विश्वास है ना? विश्वास तो अपनी पत्नी पर पूरी तरह से है, लेकिन हमें डर है कहीं बेटे के लाड़ में माँ गौतमा कमजोर ना पड़ जाए। मेरी ममता को देखकर आप ये कह रहे हैं ना, लेकिन आप जानते हैं आपके सम्मान से बढ़कर मेरे लिए कुछ भी नहीं है। और हमारा बेटा अपने पिता के नाम पर दाग नहीं लगाएगा, इस बात की जिम्मेदारी मैं लेती हूं। महादेव आपके विश्वास को सत साबित करें, सद्बुद्धि दें,
खंडेराव को। अब बारी बारी से हर परिवार के मुखिया अंदर गाभारे में जाकर वाड़ी भरने की विधि पूरी करें। सबसे पहले माणकोजी पाटिल। कहाँ अटक गई अहिल्या, अब तक आई क्यों नहीं? ऐसे नहीं आना चाहिए था। देवा, देवा, अब क्या कर दिया इस लड़की ने? कहाँ रह गई थी? और ये कपड़ों में कीचड़ कहाँ से लग गया? दाजी, अगर शिवजी के लिए कमल के फूल लेने कोई तालाब में उतरेगा तो कीचड़ तो लगेगा ना। तू तालाब में उतरी थी? हाँ, देखो पूरी गीली हो गई। लेकिन अगर मैं वहाँ से घर कपड़े बदलने जाती ना तो देर हो जाती, तो फिर मैं पूजा कैसे करती? इसलिए मैं वहाँ से सीधी यहाँ चली आई। ध्यान के लिए नमी। वो फूल अपने बाबा को दे दो, वो अंदर गाभारे में जाकर शिवलिंग पर चढ़ा देंगे। नहीं पुजारी काका, आज ना हमें शिव जी से बहुत जरूरी प्रार्थना करनी है, इसलिए हमें ही फूल चढ़ाने होंगे। नहीं, आज के दिन महिलाएं पूजा में गाभारे के अंदर नहीं जा सकती। देखो तुम्हारे आई के साथ साथ सारी औरतें यहाँ बाहर ही खड़ी है। हाँ, पर मुझे जाना है। माफ करना पटेल जी, पता नहीं ऐसे कि आज की महापूजा में लड़कियां गाभारे के अंदर नहीं जाती इसलिए। आई मुझे पता है, हर साल तो मैं यहाँ आती हूँ, पर इस साल ना मुझे बहुत जरूरी प्रार्थना करनी है शिवजी से। मना कर रहे हैं ना पंडित जी, सुनती क्यों नहीं? सुन लिया मैंने आई, लेकिन सच्ची में बहुत जरूरी काम है शिवजी से। नहीं, नियम का पालन करना ही होगा। मैंने आज से पहले कभी कहा है क्या तो मुझे अंदर जाके फूल चढ़ाना है? नहीं ना पुजारी काका। अहिल्या, तू समझती क्यों नहीं? तू भी तो नहीं समझ रही आई, और मैं पुजारी काका को भी कैसे समझाऊं कि अगर मैं आज अंदर नहीं गई ना तो कुछ भी ठीक नहीं होगा। क्या ठीक नहीं होगा? भी नहीं बता सकती दाजी, पहले शिव जी से तो बात कर लूं। नहीं, आज महिलाओं को पूजा का अधिकार नहीं मिल सकता। क्यों नहीं मिल सकता पुजारी काका? अहिल्या, बस हाँ था। मैंने कहा आज महिलाएं गाभारे के अंदर जाकर शिवलिंग की पूजा नहीं करेंगी तो नहीं करेंगी। और दाजी, तुमने तो कहा था ना शिवलिंग का मतलब शिवजी के साथ अंदर पार्वती माँ भी होती है। ओ पण बेटा, और पार्वती माँ तो औरत है ना, तो अगर पार्वती माँ शिवजी के साथ अंदर हो सकती है तो मैं क्यों नहीं जा सकती? चुप कर अहिल्या, इतनी ज्ञानी हो गई कि पंडित जी से बहस करेगी। अपने बाबा को फूल दे दे, जा। माँ पार्वती साधारण इंसान नहीं, भगवान है। हम इंसान जिस समाज में रहते हैं वहां स्त्री और पुरुष के लिए अलग अलग नियम होते हैं जिनका पालन करना आवश्यक होता है। तुम अंदर गाभारे में नहीं जाओगी। लेकिन मुझे शिवजी की पूजा करनी है पुजारी काका। नहीं तो किसी को हमेशा ऐसे ही परेशान होना पड़ेगा, और ये तो गलत बात है ना। खुशी तो सबको मिलनी चाहिए, है कि नहीं पुजारी काका?
और चाची तुम ही तो कहते हो ना कि हम सब शिवजी के बच्चे। फिर तो शिवजी के लिए लड़का और लड़की सब बराबर ही होंगे, तो कोई भी अंदर जा सकता है उनके पास, वो किसी को मना नहीं करेंगे, है ना पुजारी काका? देखो इस लड़की को, पुजारी जी के साथ जुबान लड़ा रही है। बेटा क्या बांध लिया, अपने आप को लड़का समझने लगी है। लक्षण देखे सुशीला की बेटी के, अभी से ये हाल है, भगवान जाने बड़ी होके क्या करेगी। यही सिखाया तुझे बड़ों का निरादर करना? ऐसे बात करते हैं पुजारी जी से? सही कह रहे हैं वो, समाज बिरादरी के नियम हर किसी को मानने पड़ते हैं। पर आई, मैं तो चुप, एकदम चुप, बहुत हुआ तुम्हारा नाटक। अंदर जाके चढ़ा दो। मुझे पता था पुजारी काका हम लोगों को फूल चढ़ाने नहीं देंगे, तू ही तो जिद करने लगी। तालाब में उतरी, भौरों से बच बच के फूल तोड़े, कपड़े गंदे किए, पर तेरी सारी मेहनत तो बेकार गई ना, फूल चढ़ाने को भी नहीं मिला और ऊपर से तेरी आय भी गुस्सा हो गई। आय को मना लूंगी मैं, और ना मैं फूल भी चढ़ाऊंगी, हम सब फूल चढ़ाएंगे। पागल हो गई है क्या? अब तो पुजारी काका हम लोगों को मंदिर के अंदर घुसने भी नहीं देंगे। कोई बात नहीं, वरना पूजा होके रहेगी। लेकिन कहाँ करेंगे पूजा? अपने मंदिर में। अपने मंदिर में कहाँ है अपना मंदिर? नहीं है, पर अब हम अपना मंदिर बनाएंगे, अपना अलग मंदिर। हमारा मंदिर? फिर देखना कोई नहीं रोकेगा हमें, फिर हम रोज पूजा करेंगे, रोज फूल चढ़ाएंगे, और फिर मैं शिवजी से कहूंगी कि रेणु के ससुराल में ना सबको अच्छा बना दो, और उनसे कहो कि रेणु के बाल ना खींचे, रेणु को चिढ़ाए भी नहीं, और रेणु को उसकी सासू माँ खेलने से भी ना रोके। फिर देखना शिवजी तुम्हारे सारे दुख दूर कर देंगे। अपने पिताजी के नाम पर पूरी काली थोप दी तुमने, सारे गांव के सामने नाक कट गई मेरी। अब उतरो नीचे, उतर।
सुशीला, सुशीला क्या कर रही है? हाथ तोड़ेगी क्या बच्ची का? आहो, तुम ही ने लाड़ कर करके बिगाड़ा है उसे। तुम्हें तो कोई कुछ नहीं कहेगा, सारी बात का दोष मढ़ने के लिए मैं हूँ ना इसकी माँ। वो रमा धीमी आवाज में दूसरी औरतों से बात कर रही थी। लक्षण देखे सुशीला के बेटी के, अभी ये हाल है, भगवान जाने बड़ी होके क्या करे। सुनकर इतनी शर्म आई कि क्या बताऊं। आई वो रमा का को बुरा बुरा बोले और तुझे शर्म आए, इसलिए थोड़ी ना मैंने ऐसा किया था। मुझे तो बस पूजा में, पूजा में इतने सवाल कौन करता है? कम से कम बाहर वालों के सामने तो चुप रहा कर। लेकिन आई मैं सवाल नहीं करूंगी तो सीखूंगी कैसे? जितना सीख लिया ना उतना बहुत है, और उपकार करने की जरूरत नहीं है माँ जी। आई सुशीला पूरे कितना डांटेगी बच्ची को? बच्ची नहीं रही, 9 साल की होने वाली है। ये भाग दौड़ उछल कूद सारा समय बड़बड़ 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 लड़कियों को शोभा नहीं देता। अपनी मर्यादाओं को समझना बहुत जरूरी है एक औरत के लिए। और आदमियों के लिए? अरे देवा क्या करूं मैं इस लड़की का, तेरे भाइयों ने तक कभी इतने सवाल नहीं पूछे। पता नहीं ये बीमारी तुझे कहां से लग गई। पता नहीं पर आई तुझे बहुत बुरा लगा ना, फिर मुझे सजा देना, फिर तो अच्छा लगेगा ना। देखा कितनी समझदार है हमारी अहिल्या। नहीं दादी, समझदार होती तो आई का दिल नहीं दुखाती। क्या सजा है मेरी आई, बोल ना। ठीक है, अगर तुमसे नहीं बनता ना तो मैं ही बता देती हूँ। हाँ, आज ना मैं दिन भर बाहर नहीं जाऊंगी, घर के बाहर पाव भी नहीं रखूंगी। और आई तुमने दशमी बनाने को कहा है ना? हाँ बना दूंगी खूब सारी। अच्छा आई पंडित जी के लिए भी बना दूं दशमी? वो भी तो मुझसे गुस्सा है ना, दशमी मिलेगी तो खुश हो जाएंगे है ना। आई मैं दशमी बनाने जा रही हूँ, ठीक है? तुझे दुखी किया इसलिए अहिल्या अब तेरी खुशी के लिए अपने आप को सजा दे रही है। सुशीला आज मंदिर में पूजा भी किसी और के लिए करना चाहती थी, वो बहुत नरम दिल की है हमारी बेटी, अपने लिए ना कभी कोई जिद करती है ना कुछ मांगती है। दुश्मन नहीं हूं मैं उसकी, माँ हूं। सारा समय अपने पल्लू के साए में रखूंगी तो जिंदगी में आने वाली तकलीफों का सामना करने की हिम्मत कहां से आएगी उसमें? अपन हमारे होते हमारी अहिल्या पर तकलीफें क्यों आएंगी भला? कितने दिन रहेगी वो हमारे पास? अच्छा रिश्ता मिलते ही लग्न करना होगा ना उसका। मायके और ससुराल में गुड़ और इमली जितना अंतर होता है, यहां आजादी से रहने की आदत पड़ गई तो ससुराल में निभाना मुश्किल हो जाएगा हमारी अहिल्या के लिए। अकेली है रसोई में, जरा जाकर देखती हूं कहीं हाथ न जला ले अपना। इस आंगन में कुछ महीने के मेहमान है बस, फिर पता नहीं कौन सा परिवार हमारी अहिल्या का घर हो जाएगा। झूठ बोलूं तो जुबा कट जाए मेरी, पर आपके साथ ना इंसाफी होते देखकर चुप भी तो नहीं रहा जाता। आपकी बेटी और जावई साहब के होते हुए शिवजी की पालकी को सहारा देने का काम किसी बाहर वाले से करवाया। मैं समझ सकती हूँ आपके दिल पर क्या बीत रही है। सच में मैं होती ना आपके जगह द्वारका ताई तो चुल्लू भर पानी में डूब मरती। आपको भी ऐसे लग रहा होगा ना? अच्छा तो नहीं लगा, पर क्या करते,
सबके सामने सरकार का मान भी तो रखना था। अक्का साहब भी चुप खड़ी तमाशा देखती रही, वो भी तो बोल सकती थी, खंडेराव नहीं है तो जावई साहब से पाल के उठवा लो। उन्हें तो हर समय उन्हीं का लाडला दिखता है और कोई नहीं, और अब तो उन्हीं का हुक्म चलेगा। बड़े सरकार मुहिम पर जाते जाते उन्हें सारी जिम्मेदारी जो सौंप कर गए हैं। रानी गौतमा, बस नाम की रानी है, खून तो चरवाहे का ही है ना, उन्हें राजपाट की समझ नहीं है, जबकि आपका जन्म तो राजघराने में हुआ है। राजघराने से तो मैं भी हूँ, पर ये सारी बातें मेरे समझ से भी बाहर है। इतना तो समझ में आता है ना कि किसकी तरफ रहने में आपकी भलाई है। हमारी बेटी बड़े सरकार की पहली संतान है, इस नाते जावई साहब का भी तो हक बनता है। यही तो बोल रही थी मैं। चिंता मत कीजिए, हमारे जावई साहब को उनका हक दिलवाना हमारी जिम्मेदारी है। हम जानते हैं कि दूसरी पत्नी होने के कारण हम पटरानी नहीं बन सकते, लेकिन राजमाता का दर्जा हमें ही मिलेगा। आप भी बनना द्वारका ताई, आपके साथ दो घड़ी बात करके मन हल्का हो जाता है, पर अक्का साहब के सामने तो जुबा भी नहीं खुलती मेरी, चेहरे से कितनी कड़क लगती है वो, और वो छोटी रानी हर को उम्र में इतनी कम पर ऐसी धाक जमा के रखी है कि सब उसे बड़ा ज्ञानी और समझदार समझते हैं, और मुझे एकदम अंगूठा छाप और मूर्ख। आप राजमाता बन गए तो शायद मेरा भी कुछ सम्मान बढ़ जाए। वो दिन आएगा बाना भाई, जरूर आएगा। बड़े सरकार और अक्का साहेब, इनसे निपटना हमारे लिए जरा भी मुश्किल नहीं। खंडेराव, वो तो मृदंग बजाने के अलावा और किसी काम के लायक नहीं। बस उनकी जिंदगी में कोई ऐसा ना आ जाए सारथी बनकर जो दिमाग से तेज हो और जिसे अपने अधिकारों के लिए लड़ना आता हो। क्यों रे अहिल्या, मंदिर में इतने सारे लोगों के बीच तुझे पुजारी जी से सवाल करते हुए डर नहीं लगा? डर क्यों लगेगा, सब लोग अपने गांव के ही तो थे ना। हाँ, पर कैसे घूर घूर कर देख रहे थे तुझे, पता भी है? नहीं, ये भी नहीं पता था कि सब लोग इतना गुस्सा हो जाएंगे मुझसे। पता होता तो नहीं करते सवाल। क्या पता, ये आई बाबा और तुम दोनों के लिए, ठीक है? नहीं रे, मैं नहीं आ सकती। पता है आईना आज बहुत गुस्सा है मुझसे, आज सारा दिन घर में रहूंगी ना तो आई का गुस्सा भी उतर जाएगा, है ना? लेकिन तू तो गुस्सा नहीं होगी ना मुझसे? ये देख क्या है मेरे पास, खाएगी? ये तो तेरे हिस्से की थी ना। तो क्या हुआ, मैं नहीं खाऊंगी तो चलेगा, लेकिन कपिला को बच्चा होने वाला है ना, वो नहीं खाएगी तो कैसे चलेगा? बेड़ी आइस तू, मैं मेरे हिस्से की नहीं दूंगा तुझे, समझी? कोई बात नहीं। कपिला, तूने क्या मांगा शिव जी से, बेटा या बेटी? क्या कहा? जो भी हो अच्छा है। हाँ वो तो है, लेकिन कपिला अगर लड़की हुई ना तो उसे ये मत कहना, ये मत कर वो मत कर, उस बेचारी का भी तो मन करेगा ना मैदान में दौड़ लगाने को, तो कभी मत रोकना उसे, अच्छा?
आई बोल रही थी एक दिन बाबा से कि बछड़ी हो ना तो अच्छा है। अब तू बता, बछड़ी मतलब लड़की है ना? काहे की लड़की होना अच्छी बात, फिर मेरा लड़की होना अच्छा क्यों नहीं? में खत्म हो गई और नहीं है, ये देख। अहिल्या, अगर मन हो तो तू बाहर जा सकती है कपिला से मिलने। सच्चाई? देखा कपिला, हाई का गुस्सा उतर गया। उन्होंने कहा जा अपनी कपिला के पास, आई कितनी प्यारी है ना। आज एक बछड़े से अपनी तुलना की है अहिल्या ने। इतनी सी उम्र में समाज बिरादरी की पिछड़ी हुई सोच भले ही समझ ना आई हो उसे, पर बंधनों की जकड़न समझने लगी है अहिल्या, और आजादी का महत्व भी। समझ में नहीं आता कि ये बड़ी बड़ी बातें कहां से आती है इसके दिमाग में। क्यों ऐसे सवाल करती है जिसका जवाब नहीं है हमारे पास? हो सकता है एक दिन वो खुद ही अपने हर सवाल का जवाब ढूंढ ले। फॉर मोर अपडेट्स सब्सक्राइब टू आवर चैनल, क्लिक द शो लिंक्स एंड एंजॉय वॉचिंग द वीडियोज़।